सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में, ज़ीरोधा के अंदर ये स्टॉक मार्केट क्या होते हैं और सारी चीज़ें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम जानेंगे। सो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है कि वाई शुड बी इन्वेस्ट, हम क्यों इन्वेस्ट करें, वेयर टू बी इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, फिर इक्विटी के बारे में जानेंगे, रियल इस्टेट क्या क्या होते हैं, कमोडिटी क्या होते हैं, इन नोट्स फॉर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स हैं जो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये सारा कुछ टॉपिक्स आपको, ठीक है, मिल जाएगा यहाँ पे। सो द नीड टू बी इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें नीड क्यों है इन्वेस्टमेंट की। सो वाई शुड बी वन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो बिफोर वी एड्रेस द अबव क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी हैपन इफ चॉइस नॉट टू इन्वेस्ट, ठीक है, चूज नॉट टू बी इन्वेस्ट। सो हम ये जानने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हम इन्वेस्ट क्यों ना करें, ठीक है। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पे 50,000 रुपये पर मंथ है एंड यू स्पेंड 30,000 टूवर्ड यू कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपने 50,000 रुपये आपके पास था एंड देन यू 30,000 रुपये जो आपने क्या किया कि आपने खर्चे कर दिए आपके अपने घरेलू इस उपयोग में, ठीक है, जैसे आपका हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो आपने ये चीज़ें खर्च कर दी है। द बैलेंस आपके पास जो बचता है वो 20,000 रुपये बचता है, तो ये मंथली आपका क्या है, सरप्लस है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस जस्ट इग्नोर द इफेक्ट फॉर पर्सनल इनकम टैक्स एंड डिस्कशन, ठीक है। सो टू ड्राइव द पॉइंट अक्रॉस लेट अस मेक फ्यू सिंपल अजम्पशन, इसमें कुछ देखते हैं, कुछ अजम्पशन है हमारे पे। द एम्प्लॉय इज काइंड इनफ टू गिव अस 10% सैलरी हाइक एवरी ईयर, क्या होता है कि एम्प्लॉय को 10% जो सैलरी है वो हर साल बढ़ती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइकली अप टू 8% ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और उसकी जो जीवन जीने की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग्स है 8% वो भी बढ़ती है। यू हैव अ 13 ईयर, आपके पास आप 30 साल है एंड ओल्ड एंड प्लान टू रिटायर एट 50। आप यू आर एट, आप क्या है, आप 30 साल के हो एंड प्लान टू रिटायर 50 साल की उम्र में आपको रिटायर करने का प्लान है। दिस इज़ लीव 20 मोर ईयर टू अर्न, ठीक है, आपके पास 20 साल और बचते हैं कि आप अर्न कर सको। यू डोंट इंटेंड टू वर्क आफ्टर यू रिटायर, आप रिटायर होने के बाद आप काम नहीं करोगे, ठीक है। योर एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड डोंट फोर्स यू एनी अदर एक्सपेंसेस, आप अपने एक्सपेंस पे फिक्स हो, आप अदर एक्सपेंसिव नहीं करते, ठीक। द बैलेंस केस अप टू 20,000 पर मंथ, और बैलेंस केसेस क्या है, आपके पास 20,000 रुपये पर मंथ आपके पास बचते हैं। सो गोइंग टू द असम्पशन हेयर इज़ हाउ टू द कैश बैलेंस ऑल द टू 20 ईयर एज अ टेबल, तो इन 20 सालों के बाद आपके पास जो कैश बैलेंस होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो टोटल कैश बैलेंस इन 20 ईयर, जो टोटल कैश बैलेंस है वो इस तरीके से होगा। सो पहले ईयर में आप बचा लोगे आप 6 लाख, ठीक है, फिर ईयरली एक्सपेंस आपके 3,60,000 रुपये, फिर कैश रिटेन आपका 2,40,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पे कुछ कॉलम्स बताए गए हैं एग्जांपल्स के रूप में, ये आपको 6,60,000, ठीक है, 3,88,000 आपके ईयरली एक्सपेंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन, ठीक है, वो भी रेट बढ़ती हुई जाती है। तो इसी तरीके से 2,71,000, ये 3 लाख, 4 लाख, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हुए जा रहे हैं। एंड देन बाद में आप जो बचाओगे पैसा वो आफ्टर दैट 20 साल के बाद 17,08,000 ये आपके पास बचेंगे, ठीक है, 1,78,90,600, ठीक है, 93 ये आपके पास बचेंगे। आपके पास जो पैसा बचेगा वो है 1,78,00,000, ठीक है, 90,693 रुपये। सो ये जो पैसे आपके पास बचे, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली है, फ्यू थिंग आफ्टर दैट कैलकुलेशन। जो 20 साल में आपने जो मेहनत करी उसमें से आपको जो आपको बचा वो क्या है, 1,07,00,000 रुपये, ठीक है, 1.7 करोड़ आपका हुआ।
सिंस योर एक्सपेंसिव आर फिक्स्ड, और जो एक्सपेंसिव थे वो फिक्स रहे आपके, और योर लाइफ स्टाइल हैज़ नॉट चेंज, और जो आपके लाइफ स्टाइल थे वो कभी चेंज नहीं हुए इन ईयर के अंदर. यू आर प्रोबेबली इवन द सरप्राइज योर लाइफ लॉन्ग एस्पिरेशन बेटर होम बेटर. और आपने क्या कि आपको बेटर होम भी चाहिए, बेटर कार, वेकेशन एक्सेट्रा आपको चाहिए. आफ्टर यू एंटायर रिटायर अज्यूम द एक्सपेंस विल बी कंटिन्यू ग्रो. अब आपके रिटायर होने के बाद क्या हुआ कि आप एक्सपेंस जो होते हैं वो 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं. 1.7 crore इज़ अ गुड इनफ टू द सेल ऑफ योर थ्रू द रफली टू अब 8 year एंड पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ 8 year ऑनवर्ड. तो 8 मतलब 1.7 crore ये मतलब गुड इनफ है अब आप 8 साल तक रिटायरमेंट के 8 year ऑनवर्ड. सो यू विल बी वेरी टाइट स्पोर्ट विद अ लिटिल नो सेविंग लेफ्ट टू बैकअप. ठीक है, फिर आपको बहुत हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा बिकॉज आपके पास इसके बाद कोई सेविंग नहीं है. ठीक है, सो वट वुड वी डू आफ्टर यू रन आउट ऑल द मनी 8 years time. ठीक है, फिर उसके बाद क्या, जब 8 साल के बाद आप सारी मनी आप गवा दोगे, हाउ डू यू फंड योर लाइफ, किस तरीके से फंड करोगे. इज देयर ए वे टू इंश्योर दैट कलेक्ट अ लार्ज सम एट द एंड 20 years. सो 20 year के बाद मतलब इंश्योर कलेक्ट अ लार्ज सम एट द 20 year. आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया देन उसके बाद आठ साल ही चला. लेट अस कंसीडर द सिनेरियो टू टेबल 1.2 द फॉलोइंग पेज वेयर इंस्टेंट कीपिंग द कैश आइडियल फॉर चॉइस टू इन्वेस्ट द कैश इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट ग्रो एट लिट 12% पर एनम. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ईयर यू रिटायर द 2,40,000 विच इज़ वेन वी इन्वेस्टेड 12% पर एनम फॉर 20 years यील्ड एंड 2,67,003 एट द एंड ऑफ 20 years. We decision to invest the super loss cash from cash balance has increased significantly and the cash balance has grown to 4.26 crore from 1.7 crore. This is a stake 2.4 times the regular amount. ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जो बैलेंस है इंक्रीज होता है सिग्निफिकेशनली. कैश बैलेंस हैज ग्रोन टू 4.26 crore टू 1.76 crore टू स्ट्रेकिंग 2.4 रेगुलर अमाउंट. दिस इज ट्रांसलेट मच बेटर सिचुएशन टू डील विद द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ. जब आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आ जाएगी तो क्या होगा कि आप बेटर तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे. नाउ यू गोइंग बैक टू इनिशियल क्वेश्चन वाई इन्वेस्ट. तो आप हम वहीं इनिशियली क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस तरीके से वाई वी आर इन्वेस्टिंग. तो सो हम इनिशियली क्वेश्चन पे आ गए हैं. दे आर द फी कंपाइलिंग रीज़न फॉर वन टू इन्वेस्ट. कुछ कंपाइलिंग रीजन्स है आपके इन्वेस्ट करने के. सो वो रीजन्स जान लेते हैं क्यों इन्वेस्ट हमें करना चाहिए. सो सबसे पहला है कि फाइट इन्फ्लेशन. तो फाइट इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई दर से आपको हमें लड़ना है. तो बाय इन्वेस्टिंग वन डील बेटर विद द इन्वेस्टेबल ग्रोइंग कॉस्ट लिविंग जनरली रिफर टू द इन्फ्लेशन. ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत अच्छी डील है टू यू नो अपने आने वाले लाइफ को और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए. क्रिएट अ वेल्थ. आप क्या कर रहे हो, आप अपनी वेल्थ बना रहे हो. वेल्थ बना रहे हो, नॉट अ हेल्थ बट वेल्थ बना रहे हो. वेल्थ मतलब पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग वन कैन एम टू हैव बेटर कॉर्पस बाय द एंड ऑफ द डिफाइंड टाइम पीरियड. आपके एंड टाइम तक मतलब आप जब एक अच्छा खासा आपके पास इन्वेस्ट आप कर देते हो देन एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है आपके पास बेटर डील्स या बेटर हेल्थ बेटर वेल्थ होता है आपके पास. ठीक है, सो अबव एग्जांपल इज अ पीरियड हैज़ टू अप रिटायरमेंट बट इट कैन बी एनीथिंग अ चिल्ड्रन एजुकेशन मैरिज हाउस परचेज रिटायरमेंट हॉलीडे एक्सेट्रा. तो क्या है कि आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है आफ्टर दैट रिटायरमेंट एंड देन इन्वेस्ट करने के बाद कि आपके इन्वेस्ट करने के बाद अपने परचेज रिटायरमेंट और हॉलीडे के लिए आपके पास पैसे हैं. ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें. हैविंग अ फिगर्ड आउट द रीज़न टू इन्वेस्ट द नेक्स्ट अब्यूज क्वेश्चंस वुड बी ऑफ वेयर वुड बी एन इन्वेस्ट एंड व्हाट आर द रिटर्न वन कुड बी एक्सेप्ट बाय इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहला रीज़न सबसे इन्वेस्ट करने से पहले हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए एंड उसका रिटर्न क्या होगा और उसका एक्सेप्टेड रिटर्न्स क्या होंगे. ठीक है, तो व्हेन इट इज़ कम टू द इन्वेस्टिंग वन हैज़ द चॉइस असिस्ट क्लास द स्वीट ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न
टेम्परमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक एसेट क्लास, एक इंडिविजुअली रिस्क एंड रिटर्न, हमें रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कैश इन्वेस्टमेंट 12% एनम्स। सो यहाँ पे भी कुछ चार्ट दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप हर साल 6 लाख रुपए बचाते हो। आपका 6 लाख रुपए आपके यहाँ पे इनकम है, ईयरली इनकम आपका जो 6 लाख रुपए है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका ईयरली एक्सपेंस है, आपके खर्चे जो है वो 3,60,000, ठीक है। इस तरीके से खर्चे हैं, आप जो कैश रिटेन कर रहे हो, आप जो बचा रहे हो उन खर्चों में से, ठीक है, तो वो है 2,40,000, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टमेंट आपने 12% की कर दी, ठीक है, ठीक है, तो 12% आपको इसमें मिल गया चीज़ें। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि रिटेन्ड कैश इन्वेस्ट एट 12%। तो आपने इस तरीके से कैश को आपने इन्वेस्ट किया तो जो बढ़ रहा है वो हर साल, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट में कुछ दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 4,26,95,771 टोटल कैश आफ्टर द 20 ईयर के बाद आपको जो कैश मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 12% आपको इसका मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट में आप कोई से भी इन्वेस्टमेंट देखो, जैसे SIP करते हैं, ठीक है, तो या उसमें क्या होता है, इनमें कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप कंपाउंडिंग पे देन आप जो भी उसका अमाउंट बना है उस पर भी आपको कंपाउंडिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ का बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हैं कि हम ये क्या यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एनी एसेट क्लास इज कैटेगरी टू इन्वेस्टमेंट विद पर्टिकुलर रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पॉपुलर एसेट क्लासेस। जैसे हमारे पे कुछ क्लास या कैटेगरी बताई गई है कि इन्वेस्टमेंट की, जिसमें पर्टिकुलर रिस्क है बट रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसमें, जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और इक्विटी, ठीक है, फिर उसके बाद रियल इस्टेट या कमोडिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, दिस आर द इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट विद अ वेरी लिमिटेड रिस्क टू द प्रिंसिपल एंड द रिटर्न पेड इज एन इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। सो इसमें जो बताया गया है ना, कि इसमें बताया गया है कि दिस आर द इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट विद अ वेरी लिमिटेड रिस्क। तो इसमें क्या है कि आप इन्वेस्ट करते हो बट इसमें बहुत कम रिस्क होता है, और आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है रिटर्न इज पेड एन इंटरेस्ट टू बी इन्वेस्टर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जो इन्वेस्टर होते हैं पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट पे उनको इंटरेस्ट रेट उनको दिया जाता है, ठीक है। द इंटरेस्ट पेड कुड बी क्वार्टरली, सेमी क्वार्टरली, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जैसे कि आपको वो क्वार्टरली मिल सकता है, सेमी एनुअली, ठीक है, एनुअली इंटर, ठीक है, इंटरवल्स पे मिल सकता है, या एंड ऑफ टर्म डिपॉजिट पे, ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी पीरियड पे, ठीक है, या वो चीज़ें मैच्योर हो जाती है तब आपको मिलता है। द कैपिटल इज़ रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट। जो भी आप जो भी जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है उसको क्या मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है। टिपिकली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग टू, जो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम जो है उसको इंक्लूड यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, टिपिकली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पहले तो फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर बाय बैंक, पहला ये होता है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है यानी FD होता है, FD क्या कहते हैं, बैंक ऑफर करती है आपको, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है और वो किसी टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रखा रहता है, देन उस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक बॉन्ड की बात भी आती है, बॉन्ड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, देन उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। एंड द बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ रिलेटेड एजेंसी सच एज हुडकू, NHAI, ठीक है, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करती है, बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करती है फॉर द पब्लिक्स आए एंड देन वो बॉन्ड्स को खरीदे, बिकॉज उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको बॉन्ड के रूप में आपको एक
ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि हमने एक 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 इन्वेस्टमेंट करी है, एंड देन सरकार एंड द गवर्नमेंट को क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं। सो बॉन्ड इशू बाय कॉरपोरेट्स, और एक होता है कि बॉन्ड इशू करती है कॉरपोरेट्स, जो कॉरपोरेट इशू करती है देन उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। एज ऑफ जून 2014 द टिपिकली रिटर्न फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वेरियस बिटवीन 8 to 11%। 2014 में क्या देखने को मिला था कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वेरियस 8 से 11% का आपको रिटर्न मिला, ठीक है। सो देन इक्विटी की बात करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्विटी इन्वॉल्व बाइंग शेयर्स पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। जो इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटीज़ क्या होती है, इक्विटीज़ यानी हिस्सेदारी। तो ये क्या करते हैं, इक्विटीज़ का मतलब हिस्सेदारी होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वॉल्व बाइंग शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब, इक्विटी का मतलब ये हो गया कि पब्लिक शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, हम इक्विटी यानी हिस्सेदारी लेते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ यानी पब्लिक ले जिन्होंने बनाया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ होती है, ठीक है। द शेयर्स आर ट्रेड बोथ बम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो दो जगह हमारे होते हैं, जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE के अंदर एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अंदर यहाँ लिस्टेड होते हैं ये शेयर्स। ये इनको शेयर बाजार भी कहा जाता है, जहाँ पे आपके शेयर्स लिस्टेड होते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका। व्हेन वी इन्वेस्ट टू इक्विटी अनलाइक अ फिक्स्ड इनकम टू इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ नो कैपिटल गारंटीज। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे था हमारा, ट्रेडिशनल वे यानी हमारा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनल वे था, जैसे हमारा हमने रियल इस्टेट के अंदर डाल दिया, या हमने बॉन्ड्स खरीद लिए, या हमने FD करा ली, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे इन्वेस्ट इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे क्या है कि हमें एक यहाँ पे जो इक्विटी है, हिस्सेदारी है, जब हम शेयर्स या बाय करते हैं तो हमें गारंटीड नहीं है कि हमें इसमें जो हमने जो कैपिटल लगाया है उसको गारंटी रिटर्न्स हमें मिलेंगे। सो दैट्स अ रीज़न हर बार जब भी एड्स आते हैं तो एड्स के अंदर दिखाया जाता है कि दैट इज़ अ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर योर ओन रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप हाउएवर द ट्रेड ऑफ द रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन्वेस्टमर जब इन्वेस्ट करता है इक्विटी के अंदर, तो जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, देर इज़ अ नो कैपिटल गारंटी। इसमें नो कैपिटल गारंटीज आपको दिखाई जाती है कि आपको कैपिटल गारंटी नहीं होती कि आपको मिलेगी मिलेगी। हावर इज़ अ ट्रेड ऑफ द रिटर्न फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। जो इसमें दिखाया जाता है कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, आपको ये दिखाया जाता है। तो इसमें एक रिटर्न्स क्या होते हैं, रिटर्न्स जो आपको दी जाती हैं वो होती है 14%, 50% CAGR कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, ठीक है, ओवर द पास्ट 15 ईयर। तो अगर आप कंपाउंडिंग का सही मतलब यहाँ पे देखेंगे तो कंपाउंडिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से फिट होता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आप जो भी मनी आप इसके अंदर रखते हो, आप अपने शेयर्स के अंदर आप अपने रखते हो, इक्विटी किसी हिस्सेदारी में रखते हो, तो ये कहीं ना कहीं 15 साल बाद आपको रिटर्न्स देता है 15% का, 15 to 14% का। सो बेसिकली FD में भी आपको इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता, और FD में प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आपको रिटर्न्स मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे तो रिटर्न मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको जितना आपको पहले इंटरेस्ट रेट पे मिला था, देन वो प्लस होके देन उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये आपको फ़ायदा होता है यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन सम ऑफ द बेस्ट एंड वेल रन इंडियन कंपनीज हैज़ यील्ड ओवर द 20 CAGR इन द लॉन्ग टर्म्स। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंडिया, बहुत सी इंडियन कंपनीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 20% का CAGR रिटर्न्स दी है आपको, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दी है ये 15 सालों के अंदर, ठीक है। सो आइडेंटिफाई सच एस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर स्किल्स एंड हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या है कि आपके पास एक तो पहले तो स्किल होना चाहिए। स्किल यानी जांच परख करके आप सारी चीज़ें आप तय करते हो, देन उसके बाद आप अपना पैसा लगाते हो। तो स्किल्स, हार्डवर्क, आपको मेहनत होनी चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का मतलब ये हो गया कि आपको धैर्य रखना है,
कि सब कुछ आगे सब कुछ सही हो जाएगा अगर आपने पैसा लगाया है तो, ठीक है। तो और ये हर जगह रूल, आई मीन हर जगह ये रूल है, बिकॉज़ आप एक बिज़नेस करते हो, एक स्टार्टअप करते हो, एंड देन आप कोई भी नई चीज़ खोल रहे होते हो, तो वहाँ आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता, देन आफ्टर दैट आप जब पेशेंस रहते हो, हार्ड वर्क करते हो, देन स्किलफुल रहते हो, सो दैट्स द रीज़न आपको हर बार कुछ नया आपको सक्सेसफुल दिखता है, ठीक है, आपको शो होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सो यू मे ऑल्सो भी इंटरेस्टेड टू नो दैट द रिटर्न इज़ गारंटेड ओवर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो आपको, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिटर्न गारंटीज ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आप लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर आप यहाँ पे गारंटीड रिटर्न ले सकते हो, ठीक है। यू मे बी ऑल्सो भी इंटरेस्टेड टू नो दैट रिटर्न गारंटी ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड अबव द 365 डेज़। तो आप 365 डेज के अबव अगर आप रहते हो, यानी ऊपर रहते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मतलब आपने बहुत लंबे समय तक अपने कैपिटल्स को आपने यहाँ रखा है। आर कम्प्लीटली एक्सेम्प्ट टू द पर्सनल इनकम टैक्स, दिस इज एडेड अट्रैक्टिव इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म जब आप रखते हो तो जो आपके टैक्सेस होते हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रियल इस्टेट्स। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग, जो रियल इस्टेट बिजनेस होता है, यानी घर बेचना खरीदना, ये सारी बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो आर कमर्शियली एंड नॉन कमर्शियली लैंड्स, आप कमर्शियली नॉन कमर्शियली लैंड्स को आप बेचते हो खरीदते हो। टिपिकली एग्जाम्पल वो भी इंक्लूड द ट्रांजेक्शन इन साइज अपार्ट फ्रॉम अपार्टमेंट कमर्शियल बिल्डिंग्स, दे आर द टू सोर्स ऑफ इनकम्स स्टेट इन्वेस्टमेंट, नेमली द रेंटल इनकम्स एंड कैपिटल अप्रिशिएशन इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो रियल इस्टेट में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग चलती है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लैंड्स पे बाइंग सेलिंग चलती है, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन्स होता है अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बिल्डिंग्स पे होता है, या अपार्टमेंट्स पे हो सकता है, कि अपार्टमेंट्स में कोई खरीद रहा है या बिल्डिंग्स पे खरीद रहा है। सो यहाँ पे दो सोर्स हो सकते हैं इनकम के, एक तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हो गया, एक रेंटल इनकम हो गया, या कैपिटल एप्रिएटेड इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। रेंटल इनकम में क्या हुआ कि आपने किसी को घर दे दिया, देन आप सोचते हो कि उससे मनी आए, तो देन आप रेंटल इनकम पे जाओगे। एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि आपने जब घर बेचा, देन आपको कैपिटल आपको उसी टाइम ही मिल गया। सो ये वैरी कर सकता है, जब आप इसको फ्यूचर में, आप लॉन्ग टर्म में आप रखते हो एंड देन बेचते हो। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक रियल इस्टेट का बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज़ इसमें जब तक इसको लॉन्ग पीरियड पे भी आप रख रहे हो, तो देन आप रेंट ले सकते हो। आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम में आप इसकी जो प्राइजिंग रेट होती है वो भी हाई हो जाती है, तो आपने डबल मुनाफा यहाँ से ले लिया, डबल प्रॉफिट्स इन रियल रियल इस्टेट बिजनेस, ठीक है। द ट्रांजेक्शन इस प्रोसीड्यूर कैन बी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग द लीगल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो थोड़ा सा क्यूट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज लीगल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। द कैश आउटले इन द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट यूजली क्यूट लार्ज, आपको बहुत लार्ज कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देर इज़ अ नो ऑफिशियली मैट्रिक्स टू मेजर द रिटर्न्स जनरेटेड बाय रियल इस्टेट, हैंस इट इज़ वुड बी द हार्ड टू कमेंट्स ऑन दिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मेजर नहीं है कि आप ऑफिशियली बता सको कि आपको कितना रियल इस्टेट के अंदर जो इनकम है वो आपको प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉमोडिटी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड सिल्वर आर कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम अपने पुराने टाइम में भी देखें, ठीक है, पास्ट टाइम में भी देखें, तो ये जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर का इन्वेस्टमेंट है, ये मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड इज़ एप्रोप्रिएट अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड और जो सिल्वर था वो हमारा एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी रह गया है। दिस इज़ द मेटल हैव द यील्ड CAGR, ठीक है, रिटर्न टू अप्रोक्सली 8% ओवर द 20 ईयर्स। तो अगर आप कंपेयर करें तो 8% का रिटर्न भी ये प्रोवाइड करती है आपको कमोडिटी, ठीक है, जो हमारा गोल्ड या सिल्वर हो गया। तो इन 20 सालों के अंदर आपको 8% का रिटर्न मिलता है देखने को। बट उस वहीं पे ही अगर हमने देखा वहाँ पे शेयर मार्केट का, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट था, उसमें हमें क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिला, उसमें हमें इंटरेस्ट रेट हमें 15 14 से 15% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिला।
बट यहाँ पे क्या है, हमें 8% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, देयर आर द सर्वाइवल वे टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड एंड सिल्वर, वन कैन बी चूज द इन्वेस्ट टू द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एक्सचेंज ट्रेड फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स देखते हैं, जैसे ज्वेलरी एक्सचेंज या ट्रेड फंड्स के अंदर आप इस यहाँ पे लगा सकते हैं पैसा। ठीक है, गोइंग बैक टू आवर इनिशियल एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन द सरप्लस कैश, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच द वुड बी हैव सेव्ड इन द एंड ऑफ 20 इयर्स कंसिडरिंग ही हैज द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी वन फिक्स्ड इनकम्स इक्विटी एंड बुलियंस बाय इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम एट द एवरेज रेट 9% ऑफ पर एनम्स द कॉर्पस वुड बी हैव अ ग्राउंड 3.3 करोड़। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखते हो कि इनिशियल एग्जाम्पल है कि आपको इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच वुड बी हैव सेव, आपको ये देखना बड़ा सही लगेगा कि आप 20 साल बाद आपने कितना इन्वेस्टमेंट में आपने कितना पैसा लिया, आपने फिक्स्ड इनकम में इक्विटी। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम एवरेज रेट, अब जो एवरेज रेट निकलता है आपका फिक्स्ड इनकम में वो 9% पर एनम निकलता है। ठीक है, ग्रोथ इन 3.3 करोड़, अगर आप देखोगे तो 3.3 करोड़ के अंदर आपको जो ग्रोथ होगी वो 9% का ही आपको देखने को मिलेगा फिक्स्ड इनकम में। ठीक है, फिक्स्ड इनकम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे आपने लगाया था ये भी फिक्स्ड इनकम के अंदर ही आता है, आपने अपने जो गोल्ड अंदर सिल्वर के अंदर लगाया था आपने। By investing in the fixed income in the average rate is 9% per annum, the corps would be have the grown is 3.3 crores. Investing in equity as average rate is 50% per annum. अगर आप देखोगे इन दोनों में, मैंने पहले बताया कि आप comparing करते हो, तो comparing में क्या होता है कि first of all आप जब investment कर रहे होते हैं fixed income average rate है 9% per annum का, but आप जो investment कर रहे होते हो gold या silver या ठीक है इनके अंदर, तो ये हमारा हो गया 15% का आपको रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कमोडिटी हो गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू बुलियंस इट एन एवरेज रेट इज 8% पर एनम द कॉर्प्स वुड बी हैव अ ग्रोन इज 3.9 करोड़। द क्लियरली इक्विटी टेंड टू गिव यू बेस्ट रिटर्न स्पेशली व्हेन यू हैव द मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हो कि बहुत मतलब थोड़ा लंबे टाइम तक हो इन्वेस्टमेंट, और जब आप कंपेयर करते हो इन दोनों के बीच में, तो कमोडिटी इतना रिटर्न आपको नहीं प्रोवाइड करता जितना आपको एक इक्विटी प्रोवाइड करता है। इक्विटी यानी शेयर्स मार्केट के अंदर हिस्सेदारी, ठीक है, कंपनी के अंदर हिस्सा। ठीक है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जिसके अंदर आप हिस्सा होता है आपका। ठीक है, ए नोट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमली शुड हैव द स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ ऑल असिस्ट क्लास, इट इज अ स्मार्ट टू डिवर्सिफाई यूएस इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑप्टिमली शुड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ ऑल असिस्ट क्लास, इट इज अ स्मार्ट टू डिवर्सिफाई यूर इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द वेरियस असिस्ट क्लास। द टेक्निक्स ऑफ एलोकेशन मनीज अक्रॉस असिस्ट क्लास इज टर्म्ड एज असिस्ट एलोकेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है एक स्ट्रॉन्ग मिक्स असिस्ट क्लास का। ठीक है, और डिवर्सिफाई है इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द वेरियस असिस्ट क्लास, आपके असिस्ट क्लास को वेरियस है। ठीक है, द टेक्निक्स एसोसिएटिंग अमॉन्ग अक्रॉस असिस्ट क्लास इज टर्म्स एज एसेट एलोकेशंस। ठीक है, एसेट के एलोकेशंस कहलाता है ये। फॉर इंस्टेंस ए यंग प्रोफेशनल मे बी एबल टू टेक अ हायर अमाउंट ऑफ रिस्क गिवन इन द एज ऑफ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल टू हिम, टिपिकली इन्वेस्टमेंट शुड बी एलोकेट अराउंड 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय इक्विटी, 20% ऑफ प्रीवियस मेटल एट द रेस्ट इन द फिक्स्ड ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसमें ये बताया गया है कि जो एक यंग प्रोफेशनल होता है वो ज़्यादा अपनी एज के मुताबिक ज़्यादा रिक्स ले सकता है, बट जो यही है कि उसको अराउंड द 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इक्विटी, वो 70% ऑफ अमाउंट ले सकता है। ठीक है, मेटल एंड रेस्ट 20% जो अमाउंट होता है प्रवेश जो बचा के वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। ठीक है, अलॉन्ग द सेम रिलेशन रिटायर्ड पर्सन कुड इन्वेस्ट द 80% ऑफ हिज सेविंग फिक्स्ड इन द कम 10% ऑफ इक्विटी मार्केट एंड 10% ऑफ द प्रीवियस मेटल। तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जो एक रिटायर्ड पर्सन होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो 80% ऑफ इसने सेविंग करी है उसका 10% क्या कर सकता है, इक्विटी के अंदर डाल सकता है
एंड 10% होता है वो अपना मेटल के अंदर डाल सकता है। द रेशियो इन विच यू एलोकेट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एसेट क्लास मेटल्स, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड या इसकी बात कही गई है। अलोकेट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एसेट क्लास एंड डिपेंड टू रिस्क एपेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास से आ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। वट आर द थिंकिंग टू नो बिफोर द इन्वेस्टमेंट, क्या क्या जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। सो इन्वेस्टिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन बट बिफोर यू वेंचर इन टू द इन्वेस्टिंग इट इज़ अ गुड टू अवेयर ऑफ द फॉलोइंग, जो इन्वेस्टमेंट क्या है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बट आपको इन सारी चीज़ों को पहले पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करती है और ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ में है, ठीक है। सो सबसे पहला ये है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हाई, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला ये है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, जो रिस्क और रिटर्न होते हैं वो हाथ मतलब सभी के मतलब हाथों हाथ जाते हैं, ठीक है। अगर आप हायर रिस्क लेते हो मतलब हाई सबसे ज़्यादा हाई रिस्क लेते हो कि हाँ भाई मतलब मैंने इतने पैसे डाल दिए एंड देन इट विल बी डिसाइड लाइक डिसाइड कर रहे हो कि हमारा ये पैसा बड़ा पड़ेगा, अगर वो बढ़ता है तो आपको क्या होगा सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। बट लोअर द रिस्क लोअर द प्राइस, अगर आपको वो पैसा कम हो गया देन यू विल बी गेट द लोअर प्राइस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड इनकम इज़ अ गुड ऑप्शन, अगर आपका फिक्स्ड इनकम है एक गुड ऑप्शन आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम के अंदर। फिक्स्ड इनकम आपके आपके ठीक है, जैसे गोल्ड वोल्ड हो गया था, गोल्ड या आपके इन चीज़ों के अंदर हो गया फिक्स्ड इनकम्स, ठीक है। फिक्स्ड इनकम इज़ अ गुड ऑप्शन टू इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो गुड ऑप्शन है आपका गोल्ड की तरफ जाना, गोल्ड या ऐसी मेटल्स या इन चीज़ों की तरफ जाना, बिकॉज इनमें क्या है कि आपका फिक्स्ड अमाउंट है एंड आप यहाँ पे आपने प्रिंसिपल अमाउंट को आप बचा सकते हो, ठीक है, रिलेटिवली लेस रिस्की या रिस्क कम होता है। हाउएवर यू हैव द रिस्क लूजिंग मनी इफ़ यू हैव एडजस्ट द रिटर्न एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है रिटर्न्स को इन्फ्लेशन को, ठीक है। सो एग्जाम्पल, एक फिक्स डिपॉजिट गिव यू सच एज 9% व्हेन द इन्फ्लेशन इज 10% मींस, अच्छा देखो जो इसमें यहाँ पे है कि आपको इसमें एक गुड एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एक गुड एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से 9% आपको रेट मिल रहा है आपको, ठीक है, अपने गोल्ड्स को या आपके बॉन्ड्स को, ठीक है, बॉन्ड्स को आपके गोल्ड को, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको 9% आपको दिया गया, ठीक है, आप ठीक है फिर। बट जब यहाँ पे आपको जब कैलकुलेशन आपने की तो इन्फ्लेशन क्या है 10% की रेट से बढ़ रहा था, ठीक है, तो जो आपको 1% का लॉस हो गया आपको, तो आप कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ क्योंकि टाइम भी गया एंड देन टाइम भी आपका बहुत चला गया एंड देन क्या हुआ कि जो मनी इन्वेस्ट किया आपने उसका 1% का आपको लॉस ही हो गया, तो क्या फ़ायदा इसका, ठीक है। सो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टू बेस्ट सूटेड टू अल्ट्रा रिस्क एवरेज इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, जो इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी के अंदर वो ग्रेट ऑप्शन होती है, इट इज़ नॉन अदर बीट इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन को क्या होती है बीट करती है ओवर द लॉन्ग पीरियड, आप जो लॉन्ग पीरियड के टाइम में इस ये क्या करती है आप इन्फ्लेशन को बीट करती है। हिस्टोरिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज़ जनरेटेड रिटर्न क्लोज 40-50%, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो ये 14-15% का रिटर्न इन्होंने एग्जैक्टली दिया है इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो, मतलब इनका पास्ट देखा जाए तो, ठीक है, तो ये फ्यूचर में भी ये 14-15% का रिटर्न ये देगी। तो जैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर टू लार्ज आउटले ऑफ कैश, बट रियल इस्टेट के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत बड़े अमाउंट में आपको पैसा लेना पड़ता है एंड कैश एंड कैन नॉट बी डन विद अ स्मॉलर अमाउंट, आप छोटे अमाउंट से नहीं कर सकते। बट लिक्विडिटी इज़ अनदर इशू, द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट बाय और सेल व्हेनेवर यू वांट, लिक्विडिटी में भी ये क्या है मतलब ये लिक्विडिटी इज़ अनदर इशू विद द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक तरीके का ये बाय और सेल आप कभी भी नहीं कर सकते, मतलब जब आपको मर्जी हो तो नहीं कर सकते, ठीक है। यू ऑलवेज हैव टू वेट टू राइट टाइम, आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा, राइट बायर्स एंड सेलर टू ट्रांजिट विद यू,
आपको राइट बायर्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, एंड जब आपको मिले। गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉन टू बी रिलेटिवली सेफर, बट द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन बी वेरी इनकरेजिंग। तो गोल्ड और सिल्वर होती है कि आपको ठीक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट हिस्टोरिकल रिटर्न में ये क्या है, आपको इतना प्रॉपर रिटर्न नहीं देती, तो दैट्स अ रीज़न आप इसको अवॉइड करें इन्वेस्ट करने से। सो की आर टेक अवे फ्रॉम इस चैप्टर, जो हमें इस चैप्टर में से हमें फाइंड करा या मिला हमें, तो इन्वेस्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर, कि इन्वेस्ट जब भी करें तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, सिक्योर रखें। द कॉर्पोरेट्स दैट यू हैव इंटेंट टू द बिल्ड एंड द एंड ऑफ डिपेंडेंट पीरियड एंड सेंसिटिव द रेट एंड रिटर्न द इन्वेस्टमेंट जनरेट, ठीक है, स्मॉल वेरिएशन रेट हैव द हाई बिग इम्पैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से अगर छोटा सा इम्पैक्ट भी होता है तो आपके फ्यूचर को, आपको फ्यूचर के इम्पैक्ट, फ्यूचर का इम्पैक्ट करता है, अगर छोटा सा भी आपको, आपको रेट या रिटर्न्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको छोटा सा भी आपको दिख रहा है तो, ठीक है, बिकॉज वो फ्यूचर में थोड़ा बड़ा बन जाता है। चूज एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द बेस्ट सूटेड योर रिस्क एंड रिटर्न, आपको ऐसा कुछ चूज़ करना चाहिए या ऐसा मेथड या ऐसा ऐसा रिस्क आपको, इंस्ट्रूमेंट आपको चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको हाई रिटर्न्स मिले, रिस्क कम हो हाई रिटर्न्स मिले। इक्विटी शुड बी अ पार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू द बीट इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन, अगर आपको फ्यूचर के अंदर क्या करना है कि आपको अपने इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो इक्विटी क्या है कि सबसे बेस्ट पार्ट है, बिकॉज इक्विटी क्या होता है, शेयर होते हैं एंड लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट को यही बीट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर टू दिया है, ठीक है, तो चैप्टर टू हम क्या करेंगे अगले अगले सेशन में पढ़ेंगे। दैन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।